हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 5G, फिफ्थ जनरेशन ऑफ टेलीकॉम। अगर हम बात करें जो फर्स्ट जनरेशन थी 1980s के दौर में, उसमें हम सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे, और स्पीड जो थी या आपकी कॉल ड्रॉप्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद एक 10 साल बाद चेंज आया, जिसमें हम देखते हैं डिजिटल वॉइस का सिस्टम आया और साथ के साथ टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह स्टार्ट हुए। ये जनरेशन थी 2G। उसके बाद एक एडवांस लेवल आया उससे, जिसको कहते हैं थर्ड जनरेशन। इसमें आप हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं आपके मोबाइल से, और जो आपकी जो नेट सर्फिंग थ्रू मोबाइल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई, आप उससे क्या कर सकते थे, अपने फ़ोन से आप अपने लैपटॉप को भी अटैच कर सकते थे, और इसमें जो ब्रॉडबैंड स्पीड थी अराउंड लाइक 1 GB के अराउंड थी, और यहाँ पर स्पीड अच्छी थी। आपको जो वीडियो आप अगर कोई YouTube पे देख रहे हैं तो उसमें बफरिंग वगैरह का टाइम बहुत कम हो गया। तो ये जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं ये 4G। बट अगर हम 5G की बात करें तो बहुत सारे न्यू फीचर्स के साथ ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया में ट्रायल के लिए तैयार है। अगर हम बात करें 5G ट्रायल, तो ये क्यों न्यूज़ में है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक एडवाइजरी जारी की है, परमिशन जारी की है, जिसमें वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कह रहे हैं कि दैट यू कैन कंडक्ट ट्रायल्स ऑफ यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। इंडिया कहीं जो ये अब 5G की दौड़ चल रही है इसमें पीछे ना रह जाए, तो इसलिए मिनिस्ट्री ने कहा है सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, BSNL हो, आप अपने ट्रायल कर सकते हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसेंटली जो हमारे चाइना के साथ टेंशन चल रहा है, इस वजह से हमने फॉर्मली चाइनीज कंपनीज को जैसे हुआई और ZTE, इनको इस रेस से बाहर निकाल दिया है। आपने देखा होगा अंडर US प्रेशर भी कई कंट्रीज ने ये चीज करी है, बट इंडिया के लिए कुछ अलग रीजंस थे, बिकॉज चाइना के साथ हमारी टेंशन रिसेंटली बहुत ज्यादा एलिविएट हो चुकी है। अगर हम बात करें व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, क्या ये 5G है और क्यों ये दूसरी मतलब 4G टेक्नोलॉजी से, फोर्थ जनरेशन से ज़्यादा एडवांस है, तो लेट्स सी। इसमें अगर हम बैंड्स की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर 3 बैंड्स हैं, लो, मीडियम एंड हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अगर हम लो स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। एज आई मेंशन हियर द एरिया कवरेज इज ग्रेट, एरिया कवरेज इज रियली ग्रेट, बट द थिंग इज स्पीड जो है वो लिमिटेड है अराउंड 100 Mbps के आसपास। बट अगर हम मीडियम की बात करें तो इसमें जो आपका कवरेज एरिया है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, और साथ के साथ जो आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। और जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें आपका जो एरिया है वो स्मॉल रह जाएगा, लिमिटेड एरिया रह जाएगा, और स्पीड हाईएस्ट मिलेगी इसमें आपको। स्पीड क्या मिलेगी, हाईएस्ट मिलेगी। तो ये 3 बैंड्स हैं, आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमने LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है किसमें, 5G में। अगर हम आगे बात करें तो 5G आपको 3 times ज्यादा स्पीड देता है, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी है, प्लस उसके साथ साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी है। लेटेंसी मींस कि जो आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने का टाइम है दैट इज वेरी मिनिमम। तो ट्रेवल टाइम जो आपके जो सिग्नल का है दैट इज लो, तो कहीं ना कहीं आपकी लैगिंग लैक वगैरह यहां पर कम होंगे। अगर हम बात करें इंटरनेट स्पीड एंड एफिशिएंसी के बारे में, तो हाई बैंड स्पेक्ट्रम 5G जो है वो आपको अराउंड 20 मैक्सिमम स्पीड कितनी दे रहा है, 20 MB/s। वेयर एज अगर हम 4G की बात करें तो 4G में अराउंड 1 GB/s था, ठीक है जी। 4G में ये स्पीड घट के कितनी है, 1 GB, वेयर एज 20 times आपको यहाँ पर स्पीड क्या मिल रही है, हाई स्पीड मिल रही है। आगे इसी में अगर हम बात करें कि फीचर्स में, तो फीचर में एक चीज़ आप याद रखना है, यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। अब इस मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बेसिकली इसमें जो हर्ट्ज़ हैं आपकी अराउंड 300 GHz हैं, और यहाँ पर जो एडवांटेज है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं सिग्नल्स के थ्रू एट अ वेरी हाई स्पीड। सो कहीं ना कहीं स्पीड जो है इसी स्पेक्ट्रम की वजह से है, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, और इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए वाइल यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज आपकी UPSC प्रीलिम्स में इससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो यूटिलिटी क्या है,
अगर हम जितनी भी फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो चीज़ें हैं लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब हम बात करते हैं कि अपने आप चलने वाली सेंसर से चलने वाली कार्स के बारे में, वी टॉक अबाउट कि अपने आप घर में जाएँ, आपके जो एसी है या वॉशिंग मशीन है अपने आप ऑन हो जाएं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर देख सकते हो, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, एज कंप्यूटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लाइक ये उसके लिए ट्रिगर पॉइंट काम करेगा। बिकॉज जब भी आप अगर इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको जो इंटरनेट स्पीड है डैट नीड टू बी वेरी फास्ट, और वो कहाँ से आ जाएंगी, सिर्फ 5G। अगर हम बात करें जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। कैसे? आप उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की आप एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग 5G। मान लो आपके इलेक्ट्रिक लाइक आपके जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पर अगर हम 5G टेक्नोलॉजी का, AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कि कब ट्रैफिक ज़्यादा है, किससे ट्रैफिक कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर हम देखें कि लाइक ये एक लाइट पॉइंट है, ठीक है जी। अब होता क्या है, नॉर्मली अगर मान लो हर एक पॉइंट की 60 सेकंड की लाइट है, एंड इस साइड ट्रैफिक ज़्यादा है, इस साइड मॉडरेट्स है, इस साइड मॉडरेट्स है, इस साइड कम है, बट 60 सेकंड हर एक को मिलेंगे। बट अगर आप AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो क्या हो सकता है, एक्चुअल में वो सेंस करेगा वेदर द ट्रैफिक इज मॉडरेट और हाई, और वहाँ से वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को बेटर रेगुलेट कर सकता है ह्यूमन से भी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इसका ये जो आपको ट्रैफिक वगैरह, जो आप ट्रैफिक जैम्स वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह देखते हो, उसमें भी मदद मिल सकता है। इवन ड्राइवरलेस कार्स में आपको इसकी हेल्प मिल सकती है, तो एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो जाएंगे। इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए आप हर जगह कंप्यूटर नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, बट इफ वी प्रोवाइड लाइक इफ वी इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल्स, वट विल एक्चुअली हैपन, कहीं ना कहीं जो मोबाइल की पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी तो लोग डिजिटल इंडिया सर्विसेज के अंडर, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर वेरियस सर्विसेज, जब हम कहते हैं कि लेस गवर्नमेंट बट ग्रेटर गवर्नेंस, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम करेंगे तो कहीं ना कहीं करप्शन के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हेल्प कर सकता है आपका 5G, बिकॉज इसकी जो आपकी स्पीड वगैरह, आपकी पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। अगर हम आगे बात करें इसमें, तो यूटिलिटी में एक चीज़ है कि आपके R&D वगैरह में भी लाइक लोकल लेवल पे आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। कैसे? अब आप YouTube वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं या वेरियस नॉलेज सोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो आपका एजुकेशन का इकोसिस्टम है दैट इज समहाउ इम्प्रूविंग। आप अगर बात करें कि अब इंडिया में बैठा बंदा कहीं की भी लेक्चर्स देख सकता है, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन जो R&D है उसमें आपको एक बूस्ट मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बात है। और अब अगर हम बात करें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 trillion हम अचीव कर सकते हैं बाय 2035। तो ये सब चीज़ें हैं अबाउट 5G, इसकी यूटिलिटी के बारे में। अब आगे अगर हम चलें तो इस ट्रायल के बारे में बात करें, तो ये ट्रायल जो है आपका 2 month का प्रोसीजर है, ठीक है जी। इसमें लाइक अराउंड द इनिशियल ट्रायल जो है आपके 6 month के होंगे, 2 month का पीरियड आपका प्रोक्योरमेंट वगैरह, इक्विपमेंट सेटअप वगैरह का रहेगा, और 4 महीने आप उसे रन करोगे इक्विपमेंट्स को। अगर हम बात करें जो आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो टेस्ट करेंगे किन एरियाज में, कितने जी अर्बन, सेमी अर्बन एरिया एज वेल एज रूरल एरियाज। अगर हम बात करें जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो मीडियम आपका जो मिड बैंड है उसको यूटिलाइज करके देखेंगे, जो कि किस में है, किस रेंज में है, 3.2 GHz से लेके 3.6 GHz तक, और कहीं ना कहीं हम इसको भी यूज़ करेंगे 24.25 GHz से लेके 28.5, और बाकी और भी जगह ट्रायल हम कर सकते हैं। अब अगर इसमें ही बात करें तो यहाँ पर हमारे को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है, किस चीज़ में, इसके एप्लीकेशन देखने में, मेडिसिन में, टेली एजुकेशन एज आई टोल्ड यू,
ठीक है जी, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो इन सब चीज़ों में हमारे को हेल्प मिलेगी। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में रहती है कि जो डाटा है जो जनरेट होगा इन टेस्टिंग साइट से, डैट विल बी स्टोर्ड इन इंडिया ओनली, क्योंकि हम फेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह को कहते हैं कि आप हमारे जो डाटा है इंडिया में लोकली स्टोर करें, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रमोट करने का हमारे पास चांसेस हैं अगर हम किसी और कंट्रीज की कंपनी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब नीड क्या है बेसिकली, अब इंडिया में तीन ही मतलब देर आर थ्री ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन टेलीकॉम सेक्टर, और उसके अलावा अगर हम लोग मतलब गवर्नमेंट लेवल पे बात करें PSU में, तो MTNL और BSNL है, बट ये बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं। तो 5G एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके प्राइवेट सेक्टर के भी लॉसेस हैं उनको भी कवर करने के लिए, और साथ के साथ आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर एंटिटीज हैं उनको भी सेव करने की एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम बात करें, ये था हमारा 5G के ऊपर स्लाइड, और इसमें आप ये चीज़ याद रखें कि आपने पेपर के अकॉर्डिंगली इसमें आप सिर्फ प्री पे फोकस रख सकते हैं, कि मेंस में ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, और आपको अगर पूछेंगे भी तो लाइक बहुत ब्रॉड एरिया पे पूछ सकते हैं, लाइक चाइना और इंडिया के रिलेशन में, उसमें आप एक छोटा पॉइंटर के तौर पे एग्जांपल के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, आपका प्रीलिम्स में आएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।